खगड़िया जिले में खराब मौसम के चलते खरीदी केंद्र में खुले में रखी धान की बोरियां भीग गई हैं, जिस वजह से नीचे की बोरियों में धान अंकुरित हो गया है, जिसका सीधा नुकसान समिति प्रबंधक व स्टाफ को भुगतना पड़ सकता है। वहीं समिति प्रबंधकों का कहना है कि खरीदी केंद्र में पर्याप्त शेड की व्यवस्था नहीं है, जिस कारण काफी मात्रा में धान खराब हो गया है। कोरिया से विशाल सिंह की रिपोर्ट। 12 लाख और समथिंग हुआ है और उसमें से 8 लाख ही उठा हुआ है, जिसमें 4 लाख कुछ बचा हुआ है। और अभी धान नहीं उठा होने से सर बहुत सारा समस्या आ रहा है। एक तो मौसम हर अभी बरसात का आने लगा है सर, जिसमें कि तूफान के साथ आ रहा है, पाल से ढककर रखना संभव नहीं हो पा रहा है। और इतना अधिक दिन हो जाने की वजह से सूखा अलग आ रहा है और दीमक और चूहा अलग नुकसान कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर सर समिति को बहुत ज़्यादा क्षति हो रहा है। 27 दिनों में इतना पानी गिरा कि उसके साथ ओले और पथरा भी कुछ गिरा है, जिसमें पूरे तरफ से जो ढक के रखे थे, हम दूसरे दिन भी हम उसको नहीं खोल पाए। तीसरे दिन में जब खोले तो थोड़ा बहुत अंकुरित हो गया था, तो इसीलिए हम त्रिपाल को खोले तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंकुरित हो गया था। आज के डेट में वो ठीक हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है। सूखत भी मार रहा है, चूहा भी काट रहा है नीचे से, दीमक वीमक। और त्रिपाल से अगर हम ढकेंगे तो कितना दिन तक ढक पाएंगे, और ज़मीन में खुदे धान है। और 28 फरवरी तक हमारा उठाव का आखिरी डेट था, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं।